हेलो दोस्तों, SM फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। तो आज फैब्रिकेशन में हम बनाना सीखेंगे एक हेड आप कैसे बना सकते हैं। तो 12 सेंटीमीटर का एक डायमीटर लेंगे, जो कि स्ट्रेट लाइन पे हम पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे अपने नोट्स पे, और उसके बाद उस लाइन पे एकदम वर्टिकली 4 सेंटीमीटर हाइट का एक और स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो इतना पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। तो जो 4 सेंटीमीटर की हमें हाइट लेनी है वो बिल्कुल सेंटर से लेनी है। इसके लिए हमें अपनी स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करनी है एकदम सेंटर से, और उसी सेंटर लाइन पे 4 सेंटीमीटर की हाइट हम ले लेंगे। तो पहले हम सेंटर से इसको बिल्कुल एकदम डिवाइड कर लेते हैं, और जो ऊपर दोनों चाप है दोनों चाप को एक दूसरे से मिलाएंगे। तो हमें 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर पर एकदम परफेक्टली वर्टिकली एकदम एक लाइन मिल जाएगी। इतना होने के बाद हम 4 सेंटीमीटर की हाइट मेज़र कर लेंगे, जो कि एकदम हॉरिजॉन्टली जो लाइन है वहाँ से 4 सेंटीमीटर की ये हमने दूरी ले ली। और जो दूरी हमें 4 सेंटीमीटर ऊपर लाइन पे मिली है उसको हम क्या करेंगे, अपने एक साइड में मिला देंगे। जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद से जो हमें रेडियस मिला है, रेडियस में से हम हाइट को माइनस कर लेंगे, और हमें जो 2 सेंटीमीटर की दूरी मिलेगी वो जो लाइन हमें अभी हमने ड्रॉ की है उस पर ऊपर से 2 सेंटीमीटर की हम मार्किंग कर लेंगे, और उस 2 सेंटीमीटर को छोड़ के जो सामने की लाइन बच रही है उसको हम हाफ डिवाइड करेंगे। हाफ डिवाइड करने के लिए आप इस प्रकार से आपको चाप लगा के दोनों साइड से आप एकदम परफेक्टली हाफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हम ऊपर से भी मार के एक चाप और हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन हम खींचेंगे वो नीचे की लाइन तक ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे वाली लाइन है वहाँ तक इस लाइन को हम बढ़ा के ले जाएंगे, और नीचे तक इसको पूरा क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये लाइन पीछे तक एकदम क्रॉस हम कर लेंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ तक एकदम इतना करने के बाद आपको फिर तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अभी हमने क्रॉस करी है एक स्ट्रेट लाइन से, उससे इतनी दूरी भर के ऊपर वाली लाइन को एक सर्कल की तरह हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और इस लाइन को क्रॉस करने के बाद हम जो नीचे वाली लाइन हमने जो क्रॉस करी है उसको फिर ऊपर 4 सेंटीमीटर की जो दूरी ली थी वहाँ तक हम इसको लंगड़े प्रकार में भर के फिर इसको मिला देंगे, और ये एक परफेक्ट हाफ सर्कल का एक आपको आकृति मिल जाएगा। इतना होने के बाद से फिर हम आगे के प्रोसेस में जो हमारा डायमीटर था डायमीटर में गुणा करेंगे पाई का। जब हम गुणा करेंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी कुछ 37.68 आएगी, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो पहले इतना हम कर लेते हैं, और जब इतना कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम जो कल्ली बनाते हैं, कल्ली बनाने में फिर हमें आधे के लिए बना रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे 16 कल्ली में डिवाइड करने के लिए 16 से फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो हमें एक कल्ली का जो दूरी मिलेगा उतना हम कर लेंगे 16 से डिवाइड करके। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा 2.35 सेंटीमीटर आएगा। फिर चूंकि हमें कल्ली के लिए आधी कल्ली की दूरी रेडियस देखना है, तो फिर हम 2 से और उसमें भाग करेंगे, और फिर हमको मिल जाएगा 1.17 सेंटीमीटर की एक वैल्यू मिल जाएगी। और जब हम इतनी वैल्यू कर लेंगे तो फिर इतनी ही दूरी मेज़र करके जो एंड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन का वहाँ से मेज़र करके इसको हाइट में ले लेंगे। और इतना करने के बाद से सिंपली जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो सेंटर पॉइंट है, मतलब 6 सेंटीमीटर का जो सेंटर पॉइंट है, उसको यहाँ से सिंपली मैच करा देंगे। और जब हम इसको मैच करा देंगे तो फिर जो हाफ सर्कल जो आपने अभी फॉर्म किया है, जो आप देख रहे हो ये ऊपर वाली हाफ सर्कल है, इसकी जो दूरी होगी हम उसको स्केल से मेज़र कर लेंगे, और उसके बाद उसको 6 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो जो हेड का राउंड होता है वो हम 6 भाग में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। छः भाग में डिवाइड करने के बाद से जो हमें हेड के राउंड पे जितना भी हमें पॉइंट मिला उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल एक लाइन फॉर्म करेंगे, और सारा जितना पॉइंट है सबको एकदम
इक्वली पैरेलली एक लाइन बनाएंगे, ना तो डिस्टेंस जो हो ज़्यादा हो ना कम हो, ऑलमोस्ट सारे पैरेलल लाइन एकदम ऑलमोस्ट सेम दूरी पे होने चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमें हेड के लिए एक परफेक्ट कर्ली के लिए हर चीज़ एकदम इक्वल मिलेगा। इसके बाद जो हेड का राउंड की जो दूरी होगी उसको आप देख सकते हो, एक बार मैंने बताया था मेज़र करना है आप कुछ इस प्रकार से, मेरे लचीली वाली जो स्केल होती है आप उससे मेज़र कर सकते हैं, और मैंने मेज़र किया है। इस जो हेड का राउंड है वो 8.27 के आसपास में आपको मिलेगा, और जितनी दूरी भी आपको मिले, चाहे जिस भी आप मेजरमेंट से कर रहे हो, जो भी आपको दूरी मिलेगी, कुछ उतनी ही दूरी आपको एक अलग पेज पे ड्रॉ करनी है, उतनी ही एकदम वर्टिकली उतनी लाइन ड्रॉ करनी है 8.27 की। और जब आप इतना कर लोगे तो उसके आगे की प्रोसेस के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है कि फिर इसके बाद जो 8.27 की जो दूरी है उसको फिर सेंटर पॉइंट के लिए मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसको हमको दो भाग में इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं मेज़र कर रहा हूँ कि 8.27 का सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो कुछ आपको 4.13 के आसपास में मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ दूरी लिख देता हूँ साइड में, 8.27 की ये जो दूरी है 8.27 ही रहेगी, और ये मैं आपको बस समझने के लिए लिख रहा हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से जो ऊपर की पॉइंट है और जो नीचे का पॉइंट है वहाँ पे कुछ इस प्रकार से दो चाप लगा लेंगे, ताकि वहाँ से हमें एक चाप मारने में ईजी रहे। फिर नीचे से लगा के यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का एक सेंटर पॉइंट हमको लेने के लिए ऐसा एक चाप मारना पड़ेगा। और जैसे हमें ये दो पॉइंट ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में मिल जाएंगे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको उतनी ही दूरी भर के और जो बाहर पॉइंट है वहाँ से एक चाप चला देंगे हाफ सर्कल के लिए, जो कि एक वर्टिकल लाइन है वहाँ पे। और कुछ उसी प्रकार से उसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेम एक हाफ सर्कल बना देंगे, बट ये रहेगा अपोजिट में। जब इतना आप कर लोगे तो उसके बाद एक और इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, उसको हम आगे देखते हैं कि ये जितना स्ट्रेट लाइन था 8.27 का, इसको हम 6 भाग में फिर से डिवाइड कर लेंगे। 6 भाग में पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स को मार्क करने के बाद से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो। तो शुरू करते हैं हम ऊपर से, और यहाँ पे हमारी जो पहली लाइन है वो ड्रॉ करते हैं। और ऊपर आपने देख रहे हैं कि एक पॉइंट और मैंने मार्क किया है, वो होगा ओवरलैप के लिए, क्योंकि ओवरलैप करने के लिए आपको एक अलग से मेज़रमेंट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और कुछ ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस हम एक दूसरे के पैरेलली जो हों सारे पॉइंट्स पे खींचेंगे। इतना करने के बाद से हम फिर आगे देखते हैं। और ये हमारा फाइनली हॉरिजॉन्टल लाइन सारी प्लॉट हो चुकी हैं। उसके बाद एक हम दूरी भरेंगे, ये आप देख रहे हो जो कि दूरी थी 1.17 की, वो ऊपर वाले पॉइंट से लेफ्ट एंड उसके साथ साथ राइट में भी खींच लेंगे। और चूंकि ओवरलैप के लिए हमने उसके साथ साथ पैरेलल जो हम एज्यूम करके हमने किया है उस पे भी सेम दूरी मार्क करेंगे। और ये दूरी मार्क करने के बाद फिर हम, आप ऊपर वाले फिगर में देखोगे कि एक लाइन जो है नीचे की तरफ भागती हुई जा रही है, तो उसको भी हम फिर लंगड़े प्रकार में भरेंगे। और उसके बाद आप देखते हैं, ये देखिए ये जो दूरी है, फिर जैसे जैसे हम दूरी आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो दूरी कम हो रही है, और जो ये हाफ सर्कल आप फॉर्म किए हो वहाँ पे ये दूरी खींची जाएगी वहाँ सेंटर मान के। तो ये देखो आप यहाँ पे करने के बाद से फिर लेफ्ट एंड सेम दूरी राइट में, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे दूरी कम होने के लिए आप ऊपर जितना मेज़रमेंट है वो करते रहो, और उसके साथ नीचे जब जाओगे तो आपको भी सेम दूरी नीचे कम होती मिलेगी। तीसरी पॉइंट के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे और थोड़ा सा लेफ्ट में कम हो जाएगा, और साथ साथ में थोड़ा सा राइट में भी उतना ही कम हो जाएगा।
उसके बाद हम चौथी दूरी भरते हैं, ये चौथी दूरी आप देख रहे हो, चौथी दूरी हम भर के और उसके बाद हम ऑलमोस्ट आधा कल्ली तैयार कर चुके हैं। ये देखो आप, सिंपली आपको बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि लंगड़ी प्रकार में भर पाना, थोड़ा सा ये दूरी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम स्केल का सहारा ले सकते हैं। और इसके बाद हम पाँचवीं दूरी भरेंगे और ये बहुत ही कम हो गया, हाफ सेंटीमीटर के आसपास में हो रहा है, तो हमें इससे हेल्प लेनी पड़ रही है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो हाफ सर्कल नीचे लाइन पर प्लॉट हुआ है, ये दूरी वहीं से मेज़र की जाएगी। आप देखो, मैं वहीं से मेज़र कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका जो कल्ली बनेगा वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। और सेम दूरी आप लेफ्ट एंड राइट भरते रहिए ऐसे करके। उसके बाद जैसे जैसे दूरी कम होगी, नीचे आपको एक कॉर्नर शेप में मिलने लगेगा, तो वो आप आगे देखते हैं। जब हम सारी दूरी भर लेंगे तो इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, ये सारे पॉइंट्स को एक अच्छे तरीके से मिला देना है। आप देख रहे हो कि इसके बाद ये चूंकि एक सर्कल के फॉर्म में है, तो आप सर्कल के फॉर्म में ही इसको मिलाएंगे, डायरेक्टली नहीं मिलाएंगे, नहीं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और जो आपका कल्ली बनेगा वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। आप देख रहे हो एकदम घुमावदार तरीके से इसको आपको फॉर्म करना है, जैसे आपको सेंटर में सर्कल एकदम, आप देख रहे हो कल्ली का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप देख रहे हो एकदम एक हाफ सर्कल बना है, तो आपको बाहर और लेफ्ट एंड राइट में जो आपको पॉइंट्स मिले हैं उसको भी एक हाफ सर्कल की तरह ही फॉर्म करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लंगड़े प्रकार का हेल्प ले सकते हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट का हेल्प ले सकते हैं। चूंकि मैं आपको समझाना है इसलिए मैं आपको हाथ से बना के दिखा देता हूँ और आपको ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही आपको फिगर लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ तक आप देख लो कि एक कल्ली बन के ये आपकी तैयार हो गई। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कल्ली को काट के आप 3D स्ट्रक्चर में आप कैसे इसको शो कर सकते हो, ताकि आपको जब आप किसी सीट पे काम करो तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, इसलिए मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ। तो मैं इसको काट के कल्ली को निकाल देता हूँ और उसके बाद आगे ये कल्ली काटने के बाद हम देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या है। उसके बाद से जो ये जो कल्ली है, इसके बाद हम जो इसका आगे का नुकीला वाला पार्ट है उसका एक पॉइंट ऊपर काट लेंगे। इसको हम इसलिए करेंगे ताकि ऊपर जो हो थोड़ा सा हमें जो भी हम लास्ट में 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसके लिए स्पेस हो, किसी भी चीज़ को वहाँ से जब आप फॉर्म करोगे तब ये समझोगे कि मैंने एक कल्ली क्यों काटी है। इसके बाद हम कुछ ऐसे ही जल्दी जल्दी काट लेते हैं, क्योंकि एक कैलकुलेशन हो गई तो सारे कल्ली जितने भी मिलेंगे हमको ऑलमोस्ट एकदम सेम टू सेम ही मिलेंगे, ताकि हम जो हेड फॉर्म करेंगे उसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं और कम से कम 10-12 कल्ली निकाल के फिर आपको दिखा देते हैं कि 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम इसको भी आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही 10-12 कल्ली तक, तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम जल्दी जल्दी वीडियो को करते हैं। और इस कल्ली में हम राइट साइड में थोड़ा सा ओवरलैप लेके चलेंगे, ताकि जब हम गम को एक दूसरे के ऊपर चिपका के 3D स्ट्रक्चर आपको शो करें तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो कल्ली की जो लेंथ होगी, जो विड्थ होगी, उसकी विड्थ में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम एक ओवरलैप मान के चलेंगे। और ये जब 3D स्ट्रक्चर आप फॉर्म करोगे तो उस समय इसकी लेंथ पर इसका कोई भी असर नहीं होगा, तो ये चीज़ आप समझ लेना।
उसके बाद जो ओवरलैप वाला पोर्शन है उसको मैं एक वी शेप में काट लेता हूँ ताकि ये आपको कल्ली की साइड से अलग लगे और इसे पता चलेगा कि आपकी ये जो लेंथ है ये उसमें ऐड नहीं हो रही है और ये जाएगा ओवरलैप में, तो इसलिए मैं इसको काट लेता हूँ। और जब हम ये ओवरलैप को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये जो वी वाला पोर्शन है ये कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएगा और ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। और ऐसे ही जब आप 10-12 कल्ली काट लोगे तो आपको एक हेड मिल जाएगा। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि 10-12 कल्ली करने के बाद से आप इसको 3D स्ट्रक्चर में ये चीज़ कैसे लगेगी, तो वेट करो तब तक। तो फाइनली जो हेड होगा कुछ आपका इस तरीके से सारी कल्ली जोड़ने के बाद से आपको कुछ इस तरीके का हेड आपको मिल जाएगा। और जब आप इसको सीट के साथ करोगे तो सीट के साथ करने में कुछ आपको इस तरीके का सीट आपको मिलता है, कुछ इसके बाद और बहुत सारी ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारा फैब्रिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तरह तरह का फैब्रिकेशन जिसमें आप हेड का यूज़ करते हो। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है हेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये हेड बनाना अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और भी आप फैब्रिकेशन में और भी कुछ अलग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई आपको तुरंत करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।